मणिपुर हिंसा के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और आक्रोश जताया। मणिपुर हिंसा के विरोध में आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटना घटी है पूरे देश में उसका आक्रोश है। इस घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है। आज युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और शहर विधायक अरुण वोरा शामिल रहे। मणिपुर में जो घटना घटित हुई है उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। ये बहुत इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। आज युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया, उसके पीछे कारण ये है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। अन्य राज्यों में जा रहे हैं, संसद में इसके संदर्भ में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं। तो इस घटना को लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर आज हमारे नौजवान साथियों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। और हम केंद्र सरकार की इस नीति का जो अभी वर्तमान में कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। लगातार मणिपुर में हो रहे हिंसा और अत्याचार के विरोध में आज दुर्ग शहर युवा कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रही है, जो मौन होकर सब शांति से देख रहे हैं और वहां हिंसा बढ़ते जा रही है, अत्याचार ज्यादा ही हो रही है। इसके विरोध में आज दुर्ग युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। ये प्रोग्राम हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव संदीप उरा जी के नेतृत्व में किया गया है। मणिपुर में जैसे कि वहाँ के लोगों ने लड़कियों के साथ जो चीज़ें की है वो तो बहुत शर्मनाक है। बिना कपड़े के उनको घुमाया गया है, और ये चाहते अगर प्रधानमंत्री तो ये रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तीन राज्य में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दौरे पे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वही मणिपुर में ही है, वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके घर में श्रीनिवास जी खाना पहुँचा रहे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो आगे चल के युवा कांग्रेस ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।